सभी को नमस्कार, मेरा नाम करण है। कुछ ही देर में हम इसको शुरू करेंगे सेशन को। बस 2-1 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी वे लोग जो जुड़ना चाहते हैं वे जुड़ जाएं। और ये जो नंबर है, आंकड़ा है पार्टिसिपेंट्स का, ये बढ़ रहा है, तो कुछ देर की प्रतीक्षा कर लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, बढ़िया होंगे, जीवन चकाचक चल रहा होगा। शनिवार का दिन है और तापमान मैं बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो से ये वेबिनार नहीं हो रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे स्लाइड यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, प्रतिलिपि पर लंबे धारावाहिक या उपन्यास कैसे लिखें। ये बहुत ही, हालांकि बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, अगर हम इसमें कला वाली चीज में या फिर उसमें ना जाएं तो जो इसकी किसी भी कहानी लेखन की जो भारत में एक विधा रही है उसका खाका कैसा हो सकता है, या किन किन चीजों को समझने की जरूरत है, क्या क्या एलिमेंट्स है जिन पे काम किया जा सकता है, उस पर बात करेंगे आज। और आई होप आप लोग
इंजॉय करेंगे इस सेशन को, और आपके पास जो भी प्रश्न हो आप यहाँ पे आपके फोन स्क्रीन पे, अगर आप फोन से जुड़े हैं तो नीचे क्वेश्चन आंसर का एक कॉलम होगा, आप उसमें प्रश्न डाल सकते हैं। क्योंकि आज का सेशन जरा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आसार बहुत कम है कि मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे सकूं, लेकिन कोई चिंता की वो नहीं है, बात नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं अपने सवाल, जो भी आपके पास सवाल हैं, हम डेफिनेटली उनका जवाब देंगे, और कोशिश करूंगा अगर समय रहा तो यहाँ पे भी मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। 13 सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं वैसे वहां पर, तो शुरू करते हैं। लिपि पर लंबे धारावाहिक या उपन्यास कैसे लिखें? वो कुछ ही क्षण बीत चुके हैं, अब हम शुरू करते हैं। कहानी क्या है? ये हालांकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे आप पेंटिंग एग्जीबिशन में जाते हो और वो खाली खाली कैनवास पे एक बिंदु की तस्वीर लगी होती है। तो कहानी क्या है, ये आप तो शायद मुझसे बेहतर ही जानते हैं। कहानियां जो हमारे आसपास हो रही हैं, जो लगातार घटित हो रहा है, हो चुका है या जो होना है, वो सब कहानियां ही हैं। हमारे आसपास के लोग किरदार हैं, हम भी एक किरदार हैं, और कहानियां कई तरीके से चल रही होती हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी अपने जीवन की फिल्म का हीरो हूँ, जो मेरे जीवन की कहानी चल रही है। तो वही है कहानियों का सार। कहानियों में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कहानियां प्रेरणादायी होती हैं, डराने वाली होती हैं, प्रेम वाली होती हैं, आपको सिखा जाती हैं, आपको सुधार देती है, और आप मतलब आपके आसपास एक ऐसी दुनिया लाकर खड़ी कर देती है ना कहानियां। आपके पाठकों ने आपको बताया ही होगा जब किसी ने लिखा होगा कि वाह मैडम आपने क्या कहानी लिखी है, मेरा तो दिन बन गया, सर इस कहानी का भाग कितना खूबसूरत है। तो वो सब जो चीजें है ना, वो सब कमाल है कहानी के। कहानी अपनी पर आए तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन लेकिन कहानी का बुनियादी ढांचा या कहानी का मूल जो है किन चीजों से है, और वो कैसे शुरू होती हैं, कैसे खत्म होती है, क्या मध्य है, ये तीन चीजें, हर चीज के तीन ही बिंदु है वैसे, शुरुआत मध्य अंत, चाहे फिल्म हो, जीवन हो या कहानी हो, सब चीजें इन्हीं तीनों चीजों में बटी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत कैसी होनी चाहिए कहानी की। कहानी की शुरुआत का कोई तरीका नहीं है, मतलब जो हम बता रहे हैं वो कुछ एक तरीके हैं, लेकिन वही तरीके नहीं है, तरीके और भी बहुत सारे हैं। बचपन में पढ़ते थे कि एक समय की बात है, जातक कथाएं यानी जंगल की कहानियां और वो सारी चीजें। फिर जब और बड़े हुए तो हम प्रेमचंद से मिले, प्रेमचंद जी की अपनी एक उनकी शैली है, एक उनका हस्ताक्षर है साहित्य में कहानी कहने का। और जब बड़े हुए मतलब और जब हमारी समझ कहानियों को लेकर पैदा हुई, तो निर्मल वर्मा और विनोद कुमार शुक्ल जैसे लोक साहित्य में हमें मिले, जिनके कहानी कहने का जो तरीका है और कहानियों में जो परते डालने का और जो कविता कहने का, मतलब कहानियों के जरिए भी बहुत सारी कविताएं विनोद कुमार शुक्ल और निर्मल वर्मा के साहित्य में मिलती है। तो वो वैसा है, मतलब हर किसी का अपना हस्ताक्षर है। कहानी कहने का कोई एक तरीका नहीं है कि ऐसे ही कहानी कही जा सकती है। कुछ एक तरीके हैं, कुछ ट्रेडिशनल पैटर्न है, पारंपरिक तरीके हैं, लेकिन वही नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कहानी शुरू कर सकते हो। तो ये है मध्य, शुरुआत में अक्सर ऐसा होता है कि हम किरदारों को, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, कुछ एक जिस दुनिया में वो कहानियां घटित हो रही हैं उनके बारे में बात करी। मिड में जो है कहानी का जो मध्य भाग है उसमें घटनाएं होती हैं, जो भी कुछ किरदारों के साथ या उस दुनिया में घटित होना है वो मध्य में होगा, और किरदार और घटनाओं की जो प्रतिक्रिया है और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो अंत में आएगा, वो उस कहानी का अंत कहलाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बुनियादी ढांचा कहानी का मूल इन तीन भागों में बटा हुआ है, शुरुआत मध्य अंत। आगे चलते हैं कि प्लॉट, मतलब ये प्रतिलिपि पर बहुत ही चर्चित जो शब्द हो गए हैं कि आपकी कहानी का प्लॉट ऐसा है, वो वैसा है, इनका प्लॉट सिमिलर सा है, या मतलब आए दिन आप लोग इस तरह के शब्दों से बहुत ही रूबरू होते हैं। हालांकि अंग्रेजी का शब्द है ये, लेकिन मैंने इसको हिंदी में देवनागरी में इसलिए लिखा है क्योंकि प्लॉट से हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि भाई कहानी का प्लॉट क्या है। इसको सबसे सरल शब्दों में अगली ही पंक्ति में लिखा हुआ है मैंने कि कहानी की शुरुआत से अंत तक का छोटा सा जो सफर है ना, उसे प्लॉट है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो ये भी एक प्लॉट है, ये प्लॉट है। इसके बीच में अगर आप परते डालेंगे, किरदार गढ़ेंगे, कुछ सपोर्टिव कैरेक्टर्स होंगे कि वो जो उस कहानी को आगे ले जाते हैं, जो उसमें मुसीबतें बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, वो सब बात की बात है। लेकिन प्लॉट क्या है, कहानी का खाका क्या है, वो ये है कि
शुरू से लेकर एंड तक का सबसे कम शब्दों में लिखी गई कहानी जो है वो प्लॉट है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कोई भी कहानी लिखते हैं जब हम, या किसी भी कहानी से रूप वो दो दो हाथ करते हैं, तो उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है हम सब इस पे ध्यान दे सकते हैं। यह कहानी लिखने से पहले सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है, रफ प्लॉट या कहानियों के लिए कोई विचार, जैसे कि मैंने सोच ली एक अंधे व्यक्ति की कहानी जो अंधा था नहीं, है ना, लेकिन वो अंधा होने का दिखावा करता था। अब ये बात बहुत सारी फिल्मों में कही गई है, मैं बहुत ही बुनियादी उससे, बहुत ही बेसिक तरीके से इसको बता रहा हूँ। तो एक ऐसा कैरेक्टर जो अंधा होने का दिखावा करता है लेकिन अंधा नहीं है, और साथ में चार ऐसी परिस्थितियां जहां पे उसे अंधे वो देखने का मौका मिलता है लेकिन वो चीजें जो है वैसी, मतलब अपना अंधा होना छिपा नहीं पाता। अब इसके साथ में कुछ सपोर्टिव कैरेक्टर्स जिनको पता लगता है, जो उसको उसके अंधे होने में छिपाने में मदद कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कुछ 3-4-6 एलिमेंट है जिनसे आपको लगता है कि कहानी का बेसिक प्लॉट तो रेडी हो गया है, तो उसके बाद आप जो है उस पर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा है कि आप जमीन खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, आपको पता है कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी सी कुछ जमीन चाहिए, आसपास पेड़ वेड़ हो, ये सब चीजें आसपास हो, मतलब उसके और एरिया कितना चाहिए, वही बेसिक कहानी का है। जब आप जमीन तैयार कर लेते हैं तो कहानी कहना और कहानी को आगे ले जाना बहुत आसान हो जाता है। जब आपको पता है कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मुझे कहाँ पहुंचना है, तो बीच का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहानी कहने के दृष्टिकोण, नजरिया, नजरिए की है बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो कहानी कहने के 3 तरीके जो है जो हमें मिले हैं पिछले साहित्यकारों से, 3 मैंने वाक्यों में लिखा हुआ है, आपको इससे ही समझ आ जाएगा। जो पहला है, कहानियां और अमूमन डायरियां इस तरीके से लिखी जाती हैं, पहला व्यक्ति जो है, क्योंकि हम अपने बारे में अपनी बात बताना चाह रहे हैं पाठक को, तो ये सब वो होगा जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द घटित हो रहा है। मैं ऑफिस से घर आया और मैंने देखा कि पूजा रो रही थी, मैंने उससे इस बारे में पूछा लेकिन वो मुझसे नाराज थी। ये बात डायरी वाली भी हो सकती है, मतलब डायरी हालांकि नॉन फिक्शन राइटिंग है, वो उसमें हम काल्पनिक चीजें नहीं गढ़ते हैं, लेकिन डायरी भी इसी तरह से लिखी जाती है जो आपके साथ घटित हो रहा है, और कहानियां भी इसी तरह से लिखी जा सकती हैं। अगर जो प्रोटैगनिस्ट है, जो उस कहानी का मूल किरदार है, अगर वो अपने एंड से कहानी शुरू कर रहा है, वही लिख रहा है कहानी, जैसे मुन्ना भाई MBBS में आनंद भाई थे, जो पहला भाग था मुन्ना भाई MBBS का, आनंद भाई जो है सूत्रधार थे, वो कहानी को कह रहे थे क्या हुआ, और ये बात हमें आखिरी में पता लगती है कि भाई कहानी जो है इनके नजरिए से कही जा रही थी। दूसरा आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका कोई सहकर्मी है, कोई कलीग है जिसके साथ घटित हो रही हैं चीजें, या आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि मेरे साथ में एक आदमी बैठता है जिसका नाम है रोहन, और रोहन के जीवन में चीजें घटित हो रही है और आप उस चीज को कह रहे हैं, तो आप वो सेकंड पर्सन है, क्योंकि जो चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं वो आपको हैम्पर नहीं कर रही है, आप किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से इस बात को कह रहे हैं। आप इसको समझिए, इस वाक्य से समझिए, आप ऑफिस से घर आए और आपने देखा कि पूजा रो रही थी, आपने उससे इसके बारे में पूछा लेकिन वह आपसे नाराज थी, तो किरदार ने आपको प्रोटैगनिस्ट मान लिया है। जो पाठक इस कहानी को पढ़ेगा, समझ लीजिए उसी के एंड से कही जा रही है कहानी। तीसरा आता है, रोहन ऑफिस से घर आया और उसने देखा पूजा रो रही थी, उसने इस बारे में पूछा, सॉरी मैंने जो आपको पहले उदाहरण दिया वो तीसरे वाले का है, कि तीसरे बंदे के पर्सपेक्टिव से कहानी कही जा रही है, लेकिन इसमें लेखक का कुछ वो नहीं है, दिस इज कंप्लीट फिक्शन। आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, या आपका निजी वो क्या है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पूरी एक दुनिया गढ़ी है और आप उस पूरी दुनिया को उठा के किताब में रख देते हो कि भाई ये पढ़, आप उस पूरी दुनिया को प्रतिलिपि पर रख देते हो कि भाई पाठकों ये पढ़, तो उसमें आपका निजी वो कुछ नहीं छलकेगा कि मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ऐसा कहा, उसने मुझसे पूछा। आपका संवाद, आपका होना उस कहानी में शून्य है। उम्मीद कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं, या कुछ भी सवाल होता है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं इसमें। ये तो सब जानते ही होंगे, सभी को पता होगा कि ये कौन है, और ये नहीं पता है जिन लोगों को, मतलब श्रीज अनुपमा, जो भारत के जितने भी घर परिवार है सब में ये जो किरदार है बहुत ही चर्चित है, बहुत ही दिलचस्प है, यादगार है, इनकी खूबियां, इनकी चीजें,
और जो इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है किसने ना भी देखा हो अनुपमा को, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि शोले सबने देखी है, गब्बर सिंह को सब जानते हैं, और गब्बर सिंह के डायलॉग, गब्बर सिंह का खौफ, गब्बर सिंह को कोई पसंद नहीं करता, कभी नहीं करता था, लेकिन गब्बर के डायलॉग, गब्बर का जो किरदार है वो इतना सुंदर तरीके से रचा गया है ना, वो यहाँ बैठ जाता है। आप फिल्म देख के बाहर आ जाते हो, आप 3 घंटे की शोले से बाहर आ गए हो, लेकिन शोले अब आपके अंदर से बाहर नहीं आ रही है। जय वीरू भी अच्छा कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन जो ताकतवर कैरेक्टर है ना, जो जिसका खौफ पूरी फिल्म में रचा गया है, हो सकता है उनके अपने डायलॉग बहुत कम हो, लेकिन आसपास का जो माहौल, जो रामगढ़ गांव है, जो बसंती है, जो वहां के गांव वालों के भीतर गब्बर का डर है कि भाई वो ऐसा कर देगा, इतने इतने कोस तक कोई बच्चा सोता नहीं, तो ये जो है ना, ये बहुत ही जादुई चीज है। मतलब ऐसा किरदार गढ़ना जो फेमस हो जाए, और आप जितने भी देखेंगे ना, जितने सुपर हीरोज या सुपर विलन है, वो सब के सब ऐसे ही किरदार है। किसी आप जैसे किसी लेखक ने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा गढ़ता हूँ, और वो बाकी पाठकों, बाकी दुनिया के दिल में घर कर गया, और वो इतना खूबसूरत बन के आया कि आज भी याद है और आने वाले समय में भी वो अमर रहेंगे। दिलचस्प और यादगार किरदार। अब ये भाई गब्बर है तो कमाल का आदमी, या ये जो अनुपमा है तो कमाल की कैरेक्टर, लेकिन ये यार ऐसे किरदार बनते कैसे हैं? मतलब क्या है ऐसा? तो मैं भी बोल दूंगी, एक लड़का था राम, गांव में रहता था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन एक दिन ऐसा ऐसा हुआ, नहीं आएगा। हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम केवल उसको, उसका नाम जानते हैं, उसके नैन नक्श पहचानते हैं, लेकिन समय के साथ जब हम उस व्यक्ति की परतें खोलते हैं, हमें पता लगता है कि यार इस इंसान को अचार नहीं पसंद, ये इंसान जो है शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, तो ये जो चीजें है ना, ये उस किरदार का मूल है। ये जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं, जब उसके बारे में चीजें तय करते हैं, तो आपको पता लगता है कि यार वो इंसान कैसा है, और वही चीज हमें, वही जो ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें कहानियों में उड़ेलनी है। किरदार आपने बना तो लिया कोई भी, लेकिन जब तक आप अपने किरदार को हर तरीके से पाठकों से नहीं मिलवाएंगे, तो पाठक उसे जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। अगर आप लोगों ने मसान देखी है, तो मसान की सक्सेस का, जो मसान फिल्म आई थी नीरज घेवान की, बनारस में शमशान घाट के ऊपर, बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर वो फिल्म है मसान, तो अगर आप देखेंगे तो उसके जो किरदार हैं, वो ऐसे ही लगता है कि हमारी गली या किसी हमारे मोहल्ले के वो लड़का लड़की है जिनको हमने कहीं तो देखा है। ये होता है कि जब आप इतनी बारीकी से उस किरदार को, उसकी भाषा को, उसके संवाद को गढ़ते हैं, तो पढ़ने वाला ना उसको रिलेट कर पाता है। हाँ यार, ये मेरे साथ हुआ, ये मैंने देखा। जैसे 3 Idiots हिट हुई, इंजीनियर कॉलेज में लाखों करोड़ों बच्चे त्रस्त थे, लेकिन 3 Idiots आने के बाद उन्होंने पैशन फॉलो किया। किरदारों की प्रकृति ताकत और कमजोरियों का निर्धारण करे, उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, वो क्या है बेसिकली, वो किस तरह के इंसान है। अगर आप उनको राजा राजा और एकदम ऐसे दिखा दोगे, तो वो इंसान कम और भगवान ज्यादा लगेंगे कि भाई सारी अच्छी क्वालिटी से बना हुआ किरदार है। अगर आप उनको काला 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 दिखाओगे कि भाई ये तो ऐसा है, वैसा है, विनाशकारी है, जो पारंपरिक फिल्में हैं या जो पहले हम देखते आ रहे थे, तो वो एकदम ही उसको दुष्ट बना देगी, उनको लगेगा भाई तो रावण का चेला है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है ग्रे, कि किरदार अच्छे हैं, मजबूत है, लेकिन वो पूरी तरह से अच्छे नहीं है। जैसे हम इंसान भी हैं, वो पूरी तरह से ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं, उनकी लड़ाई जंगल में सर्वाइव करने तक की है। तो वैसी कहानियां हैं सर्वाइवल की, और वही उसको ग्रे बनाता है। तो ऐसी चीजें, ऐसे शेड्स, ये सब उसके अंदर डालें किरदार में, जो उसको आगे लेकर जाए। अब हर किरदार की एक बैक स्टोरी, अतीत विकसित करें, जैसे मैंने आपको बताया कि, और जरूरी नहीं कि आप ये पाठकों को बताओ या कहानी में कहो। जैसे एक किरदार है करण, करण प्रतिलिपि पर नौकरी करता है या कोई काम करता है, तो ये एक परिचय है, ये आपने बता दिया है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी क्या है? वो किस दुनिया, किस शहर, भारत के किस मोहल्ले से आता है? वो जहां पला बड़ा है, वहां पे चीजें कैसी थी, वो किन परिस्थितियों को झेल कर जी कर आया है, ये उस किरदार को मजबूत बनाते हैं। ये आपको पता है, अगर एज एन ऑथर, एक लेखक होने के नाते अगर आपको पता है, तो आप कहानी में इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी आप उसको दिखा सकते हैं, और कहानी में पाठक को पता लग जाता है कहानी पढ़ते हुए कि अच्छा, ये जो कैरेक्टर है ऐसा है, ये कैरेक्टर है, मैं तो इसको राम समझ रहा था, ये तो विभीषण जैसा निकल रहा है। तो वो है एक बैक स्टोरी, एक पूरी यात्रा आपको पता होनी चाहिए कि मेरा कैरेक्टर कहां से आ रहा है, इसकी कहानी क्या है,
तभी आप तय कर पाओगे कि ये इस कहानी में क्या करेगा, वरना सारे राम, सारे लक्ष्मण, सारी सीता। तीसरा, अपने आसपास के लोगों में अपने किरदार खोजे। ये सबसे कमाल का पॉइंट है। अगर मैं आप जैसा खूबसूरत लेखक होता तो मैं भी इस चीज को डेफिनेटली फॉलो करता। मैंने कुछ लेखकों से बात भी की, उनका भी यही कहना है, जैसे आपके घर में कोई मकान मालिक या किराएदार है, आपके यहाँ परचून वाला है, आपके यहाँ ऑफिस में कोई खड़ूस बॉस है, कोई प्यारा कलीग है, तो इस तरह के जो लोग हैं ये सब, आपके घर में कभी माली आया है, आपने किसी से चाकू की धार तेज करवाई है, ये सब के सब किरदार है। हर व्यक्ति जो आपके इर्द गिर्द है, सोच के देखिए जरा, उसको उठा के मैं अपनी कहानी में डाल दूं तो ये क्या कर देगा? अगर ऐसा किरदार मेरी कहानी में हो तो क्या हो? बताना नहीं है कि मैं आपको चुरा रहा हूं। जस्ट ऑब्जर्व, उनको देखिए कि उनके आसपास उनकी भाव भंगिमाएं क्या होती है चीजों पे, उनके एक्सप्रेशन क्या है जीवन के प्रति। आप उनको जब उठा के डालेंगे ना, वो कमाल कर देगा। अगर मेरे पास एक आदमी आता है नरेश नाम का, वो माली है, और मैंने उसका किरदार उठा के डाल दिया, तो भारत में आपके पाठक संख्या में, भारत छोड़िए, आपकी पाठक संख्या में कम से कम 40% लोग ऐसे होंगे जो उस माली जैसे किरदार से मिले होंगे, और जब वो मिले होंगे तो वो उस कहानी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो किरदार जिया है, अपने आसपास देखा है। अपने पाठक की अपेक्षाओं को तोड़, नहीं, इससे ऊपर एक है, अपने बनाए किरदार को एक सीक्रेट दे। अब सीक्रेट क्या दे भाई, कि मैंने एक किरदार बनाया है और उसकी एक कमजोरी है, उसकी उसने कभी बचपन में कोई बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया था, उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम होते हुए देख लिया था, तो ये उसका एक सीक्रेट है। अब इससे क्या होता है कि अगर आपने ये सीक्रेट सोचा है या डाला है कहानी में, तो ये उस किरदार की, किरदार कितना भी अच्छा हो, उसके सारे एक्शंस को बदल देगा। अगर मुझे पता है कि मैंने चोरी की है इस घर में, और मेरी की हुई चोरी की बात घर में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, तो मेरी चाल ढाल में, मेरी बातों में ये छलकेगा कि कहीं कुछ खम है, कोई खामी है, कोई तो चीज है जो ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। वो जो चोरी की बात है ना, उसी ने मेरे को ऐसा बनाया है। वो जो सीक्रेट है ना, वही उनको डेप्थ देती है किरदारों को, कि यार ऐसा सा है कुछ। अगला पॉइंट जो है, ये जो लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल इस तरह से नहीं लेना है। अपने पाठक की अपेक्षाओं को तोड़ें। ऐसा नहीं कि आपने बोला था इस मंगलवार को मैं कहानी का भाग डालूंगा, और आपने डाला नहीं और आपने अपेक्षाओं को तोड़ दिया, या पाठक सोच रहे हैं अरे मैडम तो आज शुक्रवार को डालती हैं भाग और आया नहीं। ऐसा नहीं करना है। पाठक की अपेक्षाओं को तोड़ने से मतलब है, आपने आधी कहानी बताई और आधी कहानी के दम पे हर व्यक्ति ने जिसने पढ़ा है एक आगे की कहानी जो घटित होने वाली है उसका एक अंदाजा लगा लिया है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने कहानी की बाजी पलट दी, जो जो सोचा जा रहा था वैसा वैसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। प्रिडिक्टेबल ना होना या किसी भी कहानी का मतलब, ये बहुत ही खूबसूरत बात है अगर आप किसी भी कहानी को प्रिडिक्टेबल नहीं बनाते हो, कि व्यक्ति सोच रहा है सोच रहा है सोच रहा है और आगे कुछ और हो जाता है, ये कमाल का काम करती है, क्योंकि वही ट्विस्ट देता है ना, वही अंदर से आता है अबे यार। अगर आपने कहानी फिल्म देखी है विद्या बालन की, या फिर आपने अंधाधुंध देखी है जो भी साल दो साल पहले आई थी आयुष्मान खुराना की, तो इन कहानियों की खूबसूरत बात यही है, आप उसको देख रहे होते हो और जैसे ही आप कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हो, कहानी अपना चेहरा बदल लेती है, और जैसे ही वो चेहरा बदलती है आपको समझ नहीं आता कि कहानी में हो क्या रहा है, आप उसमें और इन्वॉल्व हो जाते हो, उसको और गहराई से पढ़ने और समझने की कोशिश करते हो, तो ये इंगेजमेंट बढ़ाएगा आपकी और कहानी को मजेदार बनाएगा। स्टीरियोटाइप तोड़े, स्टीरियोटाइप तोड़े तो आपको पता ही है कि भाई जो भी कुछ होता आ रहा है कि भाई नारी तो हर कहानी में नारी को ऐसा दिखाना कि ये तो अबला ही है, ये ऐसी ही है, इसके गांव में इसको पढ़ाया नहीं, या ऐसा नहीं हुआ, ये कुछ कर नहीं पाई, या फिर मतलब जो पहले से चलता आ रहा है, क्योंकि जब नारी अबला थी वो 60-70 के दशक के समय की बात है, हो सकता है 80 के दशक तक भी हो, लेकिन आज तो नारी कतई अबला नहीं है। तो आप अगर आज के समय की, अपने समय को दर्ज कर रहे हो, अगर आप अपनी कहानियों में स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हो जो बना बनाया आ रहा है कि भैया ऐसा होता है वो वैसा होता है, नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है जो कहा जा रहा है। मुहावरों लोकोक्तियों पे मत जाइए, अपने मुहावरे गढ़िए, अपनी भाषा पहचानिए। तो अगर आप स्टीरियोटाइप तोड़ोगे ना, तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आएगी। और मतलब एक बात हमेशा से कही जाती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो लोग जैसे का तैसा उठा के डाल देते हैं, एक चीज है, लेकिन अगर आप अपने कहानी कथन में, कहानी कहने में प्रोग्रेसिव हो, अगर आप बेहतरी की तरफ जा रहे हो, अगर आप चीजों को
वुमेन एम्पावरमेंट को या फिर पितृसत्ता के अगेंस्ट या किसी भी ऐसी चीज को आगे अच्छे विचार के साथ प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो समाज में डेफिनेटली गहरी छाप छोड़ेगा। पाठक अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, चाहे एक पाठक लेकर आए। अपने किरदारों को सक्रिय प्रोएक्टिव बनाए। सक्रिय प्रोएक्टिव बनाने से क्या मतलब है? सक्रिय प्रोएक्टिव बनाने से मतलब ये है कि किरदार निढाल ना हो जाए, कि भाई उनके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा है, अब उनके साथ कुछ घटित नहीं हो रहा है। किरदार जो है प्रोएक्टिव हो, मतलब ऐसे जैसे अगर आपने देखा हो, मैं सॉरी इस एग्जांपल के लिए, कमोलिका का एक कैरेक्टर था कसौटी जिंदगी में, या जो थोड़े डेविलिश कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, तो वो भी चाल चल रहा है, वो सोच रहा है कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है, वो शांत से नहीं बैठ रहा है, कुछ होगा तो मैं प्रतिक्रिया दूंगा। और जीवन में भी ऐसा नहीं होता, हम हमेशा प्रतिक्रिया का वेट करते हैं, हम क्रिया करते हैं, हम करते हैं चीजें, हमें जो करना है हम करेंगे, प्रतिक्रिया सामने वाला देगा। तो किरदार ऐसे ही हो कि उनको आपकी कहानी में वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो हमेशा बैठे नहीं हुए हैं कि कोई एक प्रोटैगनिस्ट है उसका असर पड़ेगा तो पड़ेगा, बाकी के किरदार भी ऐसे है कि उनका ही उनका अपना एक जीवन, उनका एक खेल चालू है, लेकिन मुख्य किरदार आपका एक है। किरदारों में आपसी टकराव लाएं, बहुत जरूरी है कंफ्लिक्ट लाना। अगर आप बोलेंगे कि सब अच्छा हैप्पी एंडिंग हो गया था, कि सीता जी कभी लंका गई नहीं, रावण ने कभी उठाया ही नहीं, राम जी कभी वनवास गए नहीं, तो फिर मजा भी नहीं आएगा ना कहानी में। उसमें राम जी के राज्य में सब अच्छा था, अयोध्या में सब सही चल रहा था, या फिर गब्बर का कैरेक्टर था ही नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो वो बहुत ही ढीला कर देगा कहानी को, नीरस। पाठक पढ़ेगा, अबे ये क्या ही कौन सी दुनिया लिख दी है, तो वो मजा नहीं आएगा। उसका मजा ही तब है जब टकराव हो, क्योंकि निजी जीवन में भी टकराव होता है। आप कहते हो कि भाई मैं ऐसा ऐसा हूं, और सामने वाला व्यक्ति कहता है मैं ऐसा ऐसा हूं, और जो विचार के टकराव होते हैं ना, सही गलत दोनों का कुछ नहीं है, सही दोनों ही है, गलत भी दोनों ही है, लेकिन जो वैचारिक मतभेद है वो होना बहुत जरूरी है। वही आपको बताता है, आप जितने भी फिलोसोफर देखोगे जिन्होंने साहित्य में अपना हाथ आजमाया है, उनकी कहानियों में वैचारिक मतभेद ही है, और वही उस कहानी को खास बनाता है। किरदारों को बढ़ते हुए दिखाइए, मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव अप्रोच अगर आप कहानी और किरदारों में रखते हैं तो वो बहुत ही कमाल का काम। मैं कुछ शब्दों को बहुत ही मतलब लगातार रिपीट कर रहा हूं, तो उसके लिए क्षमा। पहले भाग की शुरुआत, आपके धारावाहिक में आपका पहला दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है, यानी पहला भाग, पहली बात जो आप कर रहे हैं। अब एक तो ये था कि भाई एक समय की बात है, एक फलाना धमाका जंगल में मोगली रहता था, एक हो सकता है कि गीली माचिस से आखिरी तीली निकालते हुए उसने जब मशाल जलाई तो ये तय कर लिया था कि इस बार जंगल को जला के छोड़ेगा। अब ये एक पावरफुल सेंटेंस है, इसमें क्रांति आ गई है, इसमें वो बात आ गई है। तो अगर आप मतलब ये मैंने कहा है, ये मेरा हो सकता है मेरा तरीका हो, लेकिन अगर आप किसी ऐसे तरीके से, किसी पावरफुल चीज से कहानी की शुरुआत कर रहे हो, तो वो अलग इम्पैक्ट देता है। अगर जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, इस वाक्य को पढ़ेगा, डेफिनेटली वो आगे की कहानी पढ़ेगा। और इसको मतलब इसके साथ में अब एक तरीका ये है, एक ये हो सकता है कि आपने ऐसा बताया कि भाई मिस्टर शर्मा जो है अपनी आस्तीनें उठाते हुए बहुत ही गुस्से में घर से निकले कि जैसे किसी का कत्ल कर देंगे, ये कहानी के बीच का भाग है, लेकिन आपने पहले वाक्य इसको रखा है, और यहां से ये पता चलने लगता है कि भाई शर्मा जी जो है थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के इंसान हैं, या हो सकता है ना भी हो, लेकिन इस परिस्थिति में गुस्से में है, और वो किसी बहुत ही कुछ ही बहुत गलत अटेम्प्ट करने जा रहे हैं सपोज, तो ये किरदारों का परिचय दे सकता है। या आपने ऐसे शुरू करा कि हर दिन की तरह शर्मा जी नहा धोकर अपने दफ्तर के लिए निकले ही थे कि उनकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले आतिफ भाई से हो गई, ऐसा कुछ। तो आपको तय करना है कि कहानी की शुरुआत क्या हो। पहला वाक्य अगर जो होगा ना, वो ऐसा होना चाहिए कि इंसान हुक हो जाए, समझ जाए कि भाई अब क्या है, अब तो पढ़ना पड़ेगा आगे। आगे चलते हैं, अचानक से हुई घटना, एक्शन दृश्य, ये भी जो है उसमें आप डाल सकते हो कहानी की शुरुआत में। आपने किरदारों को इंट्रोड्यूस कर दिया, परिस्थिति बता दी, अब जो है सब अच्छा चल ही रहा था कि अचानक एक दिन, ये वही है कि मतलब अचानक से जैसे बसंती को उठा ले गया, या कुछ
शोले में बसंती को उठा ले गया, या किसी और कहानी का भी एग्जांपल ले लो जहां पे पहला इंसिडेंट होता है और किसी को कोई क्लू नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि बॉस अब आगे क्या होना है, और जहां ये आइडिया नहीं है कि आगे क्या होना है वहीं से कहानी जो अपना वो एक मनोरंजन वाली चीज होती है ना, वहीं से वो मजा थ्रिल पैदा होने लगता है पाठक के दिमाग में कि अब होगा क्या, अब कौन कौन सा किरदार कैसे कैसे बिहेव करेगा। भाग का अंत, भाग का अंत ऐसा होना चाहिए कि नया भाग पढ़ने के लिए पाठक आपसे जुड़े रहे। किसी भी भाग को लिखते समय एक अंग्रेजी में टर्म होती है क्लिफहैंगर, इसका मतलब होता है कि पाठक जो है आपकी कहानी के अंत में आकर अटक जाए। अभी तक सब अच्छा चल रहा था, चौथे भाग में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन आखिर में आपने डाला जैसे जैसे ही खून, जैसे ही कोई किरदार अपने ऑफिस पहुंचा और उसने फोटोस्टेट मशीन से अपने बर्थ सर्टिफिकेट के 3 प्रिंट निकाले, तभी एक खून की धार रेंगती हुई जमीन पर उसके पांव के पास आने लगी। किसके खून की थी ये धार, इस समय कौन था ऑफिस में? अब ये सब जो प्रश्न है ना, ये अटका देते हैं पाठक को कि यार अभी यार ऑफिस में कौन था, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, खून कहां से आ गया? ये जो विचार है ना, यही उससे अगला भाग पढ़वाएगा, यही आगे की कहानी की तरफ ले चलेगा पाठक को। तो ये होना बहुत जरूरी है कि किसी भी भाग के अंत में ये पता रहे कि भाई इसमें अटकाने वाला भाग क्या है, मन अटक गया है वाला मोमेंट क्या है। कोशिश करा करिए कि भाग के हर भाग के अंत में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात लिखी जाए जो आने वाले भागों में रिवील हो रही है। घटनाएं कहानी के लिए विश्व निर्माण दिखाइए, बताइए मत। घटनाएं की घटनाएं चुनिए, जैसे आपने सोचा कि भाई एक एक्स पॉइंट है मेरे पास, एक वाई पॉइंट है, मुझे एक्स से वाई तक जाना है, और इसमें इस बीच में कितना कुछ क्या क्या हो रहा है जो इसको वाई तक ले जाएगा। एक्स से वाई तक का ब्रिज जो है ना, वो ऐसे तो बनेगा नहीं, आपको बीच में कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी ब्रिज बनाने के लिए। तो आपने 10 घटनाएं सोच ली, बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं किरदारों के हिसाब से, उन 10 घटनाओं को आपस में जोड़ दिया, लिंक किया। पहली घटना है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और 10वीं घटना के बाद जो मुख्य घटना थी वो उसको अंत तक ले गई। तो घटनाओं का आपस में जुड़ा होना, किरदारों के साथ जुड़ा होना और एक डायरेक्शन में ले जाना, एक तरफ ले जाना, जो है बहुत अच्छा काम करता है। मतलब कहानी का मूल हिस्सा है, बीच में इसको डाला जाना चाहिए घटनाओं को, और सब वो जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा है कहानी के लिए विश्व निर्माण। अब जैसे कि आपने मार्वल डीसी की, आई डोंट नो अगर आपने देखी है या नहीं देखी है, सुपरमैन का कैरेक्टर या बैटमैन का कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर अगर आपने देखा है, तो उसका क्या है कि वहां पे एक दुनिया है जिसमें वो जी रहे हैं, वहां पे उन लोगों के नियम हैं। अगर आप किसी कबीले की कहानी कह रहे हैं तो कबीले के नियम हैं, कबीले के किरदार हैं जो जी रहे हैं उस दुनिया में। तो आपको वो जो दुनिया है ना वो क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप आज के समय में 2022 में सुपरमैन का कैरेक्टर उठा के डाल देंगे और बोलेंगे कि आज की परिस्थितियों में जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कोई भी सुपर पावर पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए आपको उनके इर्द गिर्द की दुनिया भी गढ़नी पड़ती है जहाँ पे वो सुपर पावर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लोग जादू पर यकीन करते हैं, जैसे हैरी पॉटर में होता है। हैरी पॉटर एक दुनिया है पूरी की पूरी, जहाँ पे चीजें घटित होती हैं, उनके नियम कानून सारी चीजें, परंपराएं हैं, तीज त्योहार हैं, सब कुछ है। हमारी दुनिया से मिलती जुलती दुनिया है, बस थोड़ी सी अलग है। ये डिटेलिंग वाला पार्ट है और इसमें बहुत समय जाता है और दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही पाठक का जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है कि भाई क्या कुछ हो रहा है। दिखाइए बताइए मत, मतलब आप जो है, आपने अगर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी को पढ़ा या फिर दूरदर्शन पे धारावाहिक भी देखा है, तो ब्योमकेश बख्शी की जो चतुराई है ना, वो स्टार्टिंग में नहीं बताते कि ब्योमकेश बख्शी जो है सुनता बहुत अच्छा है, देखता बहुत अच्छा है, वो नहीं बताते कि वो बहुत चतुर है। वो क्या करते हैं, वो केस स्टडी उठाते हैं कि भाई फलाने गांव में हीरा चोरी हो गया और ब्योमकेश बख्शी को बुलाया गया है, तो ब्योमकेश बख्शी वहां पर आकर उस परिस्थिति में कैसे हीरे का पता लगाते हैं, चोर का पता लगाते हैं और चीजें ठीक कर देते हैं। तो वो जहां जहां अपना रिएक्शन देता जा रहा है ना इंसान, वहीं वहीं पाठक के दिमाग में एस्टैब्लिश होता जा रहा है कि भाई कितना कितना कुव्वत वाला इंसान है, कितना सूझबूझ वाला इंसान है। तो वो आपने दिखाया है, आपने अपनी डिटेलिंग से दिखाया है, इनडायरेक्टली बताया नहीं, स्पून फीड नहीं किया है कि ये देखो तो चतुर है, ये ऐसा है,
ये नहीं किया है, आपने धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपने पाठक को मैच्योर बनाया है, जिस तरह से आप अपनी कहानी को मैच्योर बना रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। संवाद लेखन, ये बहुत मजेदार चीज है, डायलॉग राइटिंग। हिंदी, एक हिंदी जो है हम पढ़कर आए हैं, एक हिंदी वो है जिसपे लोकल डायलेक्ट जो हमारी चीजों मतलब आसपास की उसका असर पड़ता है। अगर हम उत्तर प्रदेश से हैं तो अलग हिंदी है, बिहार में कई तरह की हिंदी है, और पूर्वांचल की अलग हिंदी है, झारखंड की अलग हिंदी है, मध्य प्रदेश की अलग हिंदी है सब हिंदी ही, देवनागरी भाषा ही लिखी जाती है, मतलब देवनागरी ही लिपि है उनके पास, लेकिन जो लोकल डायलेक्ट है ना वो कमाल का है। तो अब उसका असर देखते हैं कि हर कहने वाले के लिए, ये डायलॉग राइटिंग का है कि हर कहने वाले के लिए नया पैराग्राफ लिखे। ये मूल है कि अगर आपने बोला कि राम कुछ कह रहा है तो उसकी एक लाइन, और वहीं पे आधे सेंटेंस से शुरू करके नहीं कि लक्ष्मण ने क्या कहा वो भी वहीं शुरू हो गया, नहीं, राम ने ये कहा तो लक्ष्मण ने ये कहा, रावण का ये कहना था, हनुमान का ये कहना था, या गब्बर ने ये कहा, जय ने ये कहा, वीरू ने ये कहा, इस तरह से आप अलग अलग पैराग्राफ बनाइए ताकि पाठक को आसानी हो और वो सहजता से उसको पढ़ सके। अगला क्या है, संवाद के अंदर या बाहर किरदार के नाम का बार बार प्रयोग ना करें। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, जैसे कि राम का कैरेक्टर आया, या फिर हर्ष का कैरेक्टर आया और हर्ष ने उसमें एक लाइन कही कि क्या प्रतीक्षा तुम यहां से जाने वाली हो, प्रतीक्षा ने कहा नहीं राम मैं यहां से नहीं, या नहीं हर्ष मैं यहां से नहीं जाने वाली हूं, फिर हर्ष ने कहा क्यों प्रतीक्षा, तो ये नहीं, ये बेकार कर रहा है उसको, बहुत ज्यादा नाम हम करते हैं बात। अगर किसी ने, मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हो, तो आप ये बोलोगे नहीं करण मैं ठीक हूँ, आप बोलोगे ठीक हूँ, बोलोगे और सब कैसा चल रहा है, आप बोलोगे बढ़िया चल रहा है, आप हर बार ये नहीं बोलोगे ना नहीं करण सब बढ़िया चल रहा है, करण बहुत अच्छा नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलता। तो आप संवाद लेखन जब करें, कहानी के भीतर जब आप डायलॉग लिखें, तो इस चीज को अवॉइड करें बार बार नाम लेने वाला सीन, ये एक समय के बाद बहुत ही अनोइंग और पाठक के अंदर बहुत ही चिड़चिड़ापन पैदा करता है। प्रत्येक किरदार को बात करने का एक अनूठा तरीका दे। आपका पहला किरदार दिल्ली से है और दूसरा जो है, दूसरा भी हिंदी बोलता है लेकिन वो बचपन में तमिलनाडु चला गया था, वो एक हिंदी बोलने वाले परिवार से है लेकिन उसके ऊपर तमिलनाडु की जो चीजें हैं उसका उसकी हिंदी पर असर है, तो उसकी हिंदी अलग होगी, है ना। अगर कोई उत्तर प्रदेश से है, अगर कोई मध्य प्रदेश से है, तो उनकी हिंदी अलग होगी। और ये कैसे अलग होगी, जब आप उसमें लोकल डायलेक्ट, लोकल उनका जो रस है ना वहाँ की, वो डालोगे तो वो अलग होगा, तो उनके बात करने का तरीका अलग हो सकता है। अगर आपको ये नहीं डालना तो लोगों का तकिया कलाम हो सकता है, जैसे कुछ लोग बात बात में सर 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 करते रहेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सही बात है ना, तो ये तकिया कलाम है किरदार का, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, क्यों जी, तो ये तकिया कलाम है हर किरदार का। और आप ऐसा नहीं सबके लिए रखना है, कुछ कुछ किरदार के लिए रख सकते हो, जैसे भाभी जी घर पर है में लोगों के तकिया कलाम है, जैसे वो FIR आता था सब टीवी पर आप देखते होंगे, उसमें उनके अपने तकिया कलाम होते थे, तो तकिया कलाम जो है किरदार को उसकी पहचान दिलाएगा कि ये किरदार ऐसी बात करता है। अपने संवाद को अधिक रोचक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग करें। मुहावरों के साथ जादुई चीज जो ये है कि मुहावरे सभी ने पढ़े हैं, और परिस्थितियों में अगर आप सही मुहावरे डालें, कि एक समय ऐसा आया था कि रानी लक्ष्मीबाई ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, दुश्मनों के दांत खट्टे करने का जो मुहावरा है वो लोगों ने कहीं ना कहीं डेफिनेटली पढ़ा होगा, चाहे मुहावरों की किताब में पढ़ा हो, अभ्यास पुस्तिका में पढ़ा हो, चौथी में पढ़ा हो कि छठी में पढ़ा हो, या किसी और किताब में पढ़ा हो। तो मुहावरों का जादुई असर ये है कि वो कनेक्ट इंगेजमेंट बहुत अच्छी पैदा करते हैं। आप जो बात कहना चाह रहे हो उसके लिए अगर आपको तीन वाक्य लिखने पड़ रहे हैं, बजाय इसके आप एक ऐसा मुहावरा लिख देते हो जो इंसान को पहले से पता है, और इंसान जो है उस मुहावरे से समझ जाता है कि लेखक यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो ये मुहावरों का है, अगर आप मुहावरों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। वर्णात्मक शब्दों को चुने, डिस्क्रिप्शन मतलब कि ऐसे शब्द चुने जो चीजें बयां कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हो, मशक्कत वाला काम बहुत ज्यादा ना हो चीजों को लेके, तो वर्णात्मक शब्दों को चुने। दूसरा, अगला आता है, वह संवाद न लिखिए जो जानकारी से ही भरा हो। जाहिर सी बात है,
लोग कहानी पढ़ने के लिए आए, अखबार पढ़ने के लिए थोड़ी आए। उसके अंदर अगर आप लिखेंगे कि भाई ऐसा था वैसा था, वहाँ का तापमान ये था वो था, वहाँ के लोग ऐसे थे, वहाँ पे क्लॉक टावर था, नहीं, जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए इमोशंस, हमें चाहिए वो बातें जो हमें हमारी कहानी तक या हमें हमारी कहानी में खूबसूरत तरीके से ले जाए, ले जाकर छोड़ दे, हमें वो चाहिए। तो ये है कि जानकारी मत भरिए, अगर आप जानकारी भरेंगे तो वो कहानी कम और अखबार ज्यादा लगेगा। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर जो लिखा हुआ है, अपनी संवाद शैली चुनिए। आप मतलब आई डोंट नो, बहुत सारे लोग जो हैं कहानी पढ़ते हुए पहचान लेते हैं कि ये कहानी किसकी लिखी है, अगर उन्होंने वो कहानी पहले नहीं भी पढ़ी है। जैसे आपने कोई गाना सुना, आ नींद का सौदा करे एक ख्वाब ले एक ख्वाब दे। अब ये गाना अगर कोई पहली बार भी सुन रहा है और उसने पहले गुलजार साहब के गाने सुने हैं तो वो सुनते ही बता देगा ये गुलजार साहब का गाना, क्योंकि गुलजार साहब की जो लिखाई है, जो उनका हस्ताक्षर है वो इसमें दिखता है। उनकी जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं चीजों को लेने की, उठा के डाल देने की, आसपास की चीजों में भाव रचने की, तो वो गुलजार साहब की, मतलब ऐसा आपको अपनी शैली रचनी होगी कि कोई भी कहानी या कविता पढ़ते हुए पहचान जाए कि भाई ये कहानी तो है इस लेखक की लिखी हुई है। और जिस दिन आपने अपनी शैली पहचान ली, ये दुनिया के किसी भी अवार्ड, किसी भी उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जीवन निकल जाता है अपना हस्ताक्षर अपनी शैली चुनने और बनाने में। अपने संवाद को जोर से पढ़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना लिटरली वैसा है। अगर हम कोई डायलॉग लिख रहे हैं किसी किरदार का और हमने लिखा अरे भाई कैसे हो तुम, सुना है बड़े दिनों बाद यहाँ आए हो, किसी कार्टून का अगर आपने देखा हो तो आपको लगेगा ना कि अगर हम रियल लाइफ में ऐसे डायलॉग लिखें कि यार ऐसे कहाँ होता है, ऐसे तो नहीं बोलते हम नॉर्मल लिखते हैं भाई कैसे हो। तो अगर किसी भी डायलॉग को लिखते हुए आप असमंजस में हो तो उस कैरेक्टर उस डायलॉग को जोर से बोल के देख लीजिए, अगर आप उस डायलॉग को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। और अगर कुछ अटपटा लग रहा है तो अवॉइड करिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, अगर वो रियलिस्टिक नहीं है तो फिर वो काम का नहीं है। शुरुआत से अंत, इसमें बहुत सारी चीजें कही कह दी हैं, जैसा कि हुक, शुरुआत में ही एक ऐसा हुक दे दिया जहां पे वो टंगे रहे हैं, इंसाइटिंग इवेंट, फर्स्ट प्लॉट पॉइंट, फर्स्ट पिंच पॉइंट, मतलब ये जो मैंने अभी तक आपको समझाया ये सब वही बातें हैं कि जो कुछ जहाँ से आपने शुरू किया है, इंट्रोडक्शन, कॉल टू एक्शन, और क्या कुछ हो सकता था, क्या कुछ हो रहा है, बीच में जहाँ पे घटनाएं घटित हुई हैं, जिसके अंदर सॉल्यूशन निकालने की सोच रहे हैं और मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, फिर क्लाइमेक्स वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बॉस अब क्या होना है, और फिर अंत, अंत की तरफ आ जाते हैं कि एंड किस तरह से हुआ, आपने क्लाइमेक्स को कितना धुआंधार बना दिया कि भाई यहाँ से घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर से जिप्सी आ रही है, इनके पास AK-47 है, इनके पास रिवॉल्वर है, तलवार है, तमंचे हैं, और उनकी लड़ाई होनी है। अभी लड़ाई जिस तरह से होनी है वो देखना है कि आखिरी में जीतता कौन है, तो वो क्लाइमेक्स है। अब अंत कितने तरह के होते हैं और क्या कुछ होता है अंत के अंदर, तो अंत के अंदर बड़ी सारी चीजें होती हैं, बड़े सारे तरह के अंत होते हैं। पहला है पारंपरिक अंत, जो रोमियो जूलियट कह सकते हो, या फिर जो पहले से था कि यार आखिरी में हीरो जीत गया अगर, तो वो पारंपरिक अंत है अगर आप वैसा चुनते हैं तो, कि एक बंदा था उसको एक लड़की से प्यार था, उसकी किसी से लड़ाई हो गई, उसने लड़की के लिए उन सबको मार दिया, आखिरी में जो लड़का लड़की खुशी से जीने लगे, ये पारंपरिक अंत है जहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो गई है। ये होता ही है ना, ये प्रेडिक्टेबल कहानियों में अक्सर ऐसा होता है कि पारंपरिक अंत लिखा जाता है। अनसुलझे अंत, अनसुलझे अंत का ना कोई सिरा नहीं है, आपको लगेगा पाठक को भी इनफैक्ट कि पढ़ते हुए कहानी जो है अंत में खत्म हो गई है, लेकिन कहानी सिर्फ कागजों और उस फोन के डिवाइस में खत्म हुई है, यहाँ पे खत्म नहीं हुई, कहानी यहाँ पाठक के दिमाग में चलती रहेगी। अस्पष्ट अंत, ये एक ऐसा अंत है जिसको आपने सवाल पर बंद किया है, जैसे कि बहुत सारी फिल्में होती हैं जिनमें बहुत ही एब्जर्ड सी एंडिंग देते हैं, आपको पता नहीं लगता कि समाज के ऊपर या चीजों के ऊपर टिप्पणी करके वो चले जाते हैं और नहीं पता लगता है कि यार ये क्या हुआ है ना। लेकिन जो अस्पष्ट अंत है उसके साथ अच्छी चीज ये है, सॉरी आई मिस्ड इट, अस्पष्ट अंत जो है उनमें ये होता है कि वो एक प्रश्न खड़ा करते हैं, वो पाठक के दिमाग में भी कोई एंडिंग नहीं देने वाला है। अगर किसी ने बोल दिया कि एक बंदी
जो जिसने बहुत स्ट्रगल करके एक पॉइंट तक पहुंची थी, उसने आखिरी में खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको लगता है यार ये जब शुरुआत से इसने इतनी स्ट्रगल करी, इतना सब करा, तो वो क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा जब उसने आत्महत्या करी? और ये जो प्रश्न है ना, यही इस कहानी का अंत है। क्योंकि जब आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने आसपास के लोगों को, चीजों को, परिस्थितियों को देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। और यही इस कहानी, इस तरह के अंत का मतलब इस कहानी का अंत है। अनपेक्षित अंत, जैसे कि जिसकी अपेक्षा की जा रही हो लेकिन वो ना हुआ हो, आपने आखिरी में पासे पलट दिए, या कोई शुरुआत में एक छोटा सा राज था जो आखिरी तक आते आते बड़ा हो गया और जब खुला तो मतलब आंखें चुंधी आ गई सबकी कि ये क्या हुआ। बंधे हुए अंत से अभिप्राय ये है कि मैं फिल्म अंधाधुन का एग्जांपल देना चाहता हूँ, बट आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं देखी है। इससे ऐसे समझिए कि आपने किसी एक घटना को शुरुआत में दिखाया कहानी के, उसके बाद कहानी शुरू करी, उस घटना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, कहानी शुरू हुई सब घटित हुआ, और जब आखिरी में पहुंचे तो वापस जो घटना आपने शुरुआत में दिखाई थी वहां पे जाके ये जुड़ गया, बंध गई कहानी। आपको जब आप कहते हैं कि एक जंगल में हिरन भागे जा रहा है, उसको पता नहीं है कि उसके पीछे आज कौन सा शिकारी हाथ धोकर पड़ा है, लेकिन देखना होगा कि हिरन इस बार जान बचा पाएगा या नहीं। तो हिरन कौन है, जंगल कौन है, शिकारी कहां से आया, कोई पता नहीं। लेकिन जब पूरी कहानी घूमेगी, जब आप उसमें हिरन कहां से आया, जंगल कहां से आया, शिकारी कहां से आया, पूरी यात्रा बताओगे और आखिरी तक लेते आओगे, तो पाठक ऐसा हो जाएगा कि ये क्या हो गया। मतलब कि आपने बांध दिया पूरी कहानी को, जैसे बर्फी फिल्म है अगर आपने देखी हो, अंधाधुन फिल्म है, इनको इस तरह से बांधा गया है कि शुरू से लेकर एंड तक जो है कहानी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन जाती है। थ्री इडियट्स एक वो कहानी है, एक ऐसी फिल्म है जिसमें बंधी हुई है कहानी पूरी। विस्तारित अंत, बहुत ही फैलाव वाला अंत, जिसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, जैसे कि कुछ हो गया है, एंडिंग हो गई है, दोस्तों समाज में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अगर हम अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखें, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बहुत फैलाव। कहानी अगर उस तरह की लिखी गई है जिसमें आपको लग रहा है कि इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो एक्सप्लेन करिए, अदरवाइज आप अपने हिसाब से कोई किसी और तरीके का अंत भी चुन सकते हैं। अब ये होता है कि यार एंडिंग जो है डिसाइड कैसे करूं, ये मतलब बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है दिमाग में कि एंडिंग तो कैसे डिसाइड की जाती है। तो ये दो पॉइंट आते हैं, पहला है भावना के आधार पर, दूसरा है अगले धारावाहिक के आधार पर। एंडिंग दो चीजों पे डिसाइड कर सकते हो आप, पहला भावना के आधार पर। हर कहानी में ना एक भावना पूरी कहानी में चलती रहती है, प्रेम की भावना या फिर दुश्मनी की भावना या जलन की भावना, कोई एक इमोशन ऐसा होता है जो आखिरी शुरू से लेकर आखिर तक चलता रहता है उसके साथ। तो आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं कि कोई प्रेम कहानी आखिरी में जाके ऐसे नहीं हो जाएगी कि सबने दूसरे को गोली से मार दिया, मर गए, या खून खून की होली हो गई, या फिर किसी ने छल कपट कर दिया। मतलब ट्रेजेडी हो सकती है लेकिन ट्रेजेडी आप शुरू से लेकर चलोगे तो आप इमोशन ब्रेक नहीं कर सकते। तो आप इमोशन के हिसाब से ही कि भाई प्रेम चल रहा है और मेरी प्रेम कहानी मेरे को ये करने की इजाजत देती है तो मैं ऐसी कोई एंडिंग चुनूंगा। दूसरा अगले धारावाहिक के आधार पर, अगर आप उसका सीजन 2 लिखने वाले हैं, सीजन 3 लिखने वाले हैं, तो भी आप कहानी का अंत उस हिसाब से लिख सकते हैं कि मैं कहानी को ऐसे मोड़ पे ले जाके छोड़ूंगा जहां से कहानी आगे खींची जा सके। तो ये एक तरह का अंत है। तो क्या आप अंत के बाद भी कुछ बचा है, बताइए दोस्तों, बचा है? बिल्कुल बचा है। अनोखापन, मतलब कि राइटिंग में यूनिक कैसे बने, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और अगर आपने इसको पा लिया ना तो आप बहुत ही झंडे गाड़ दोगे अपने जीवन में साहित्य के अंदर। अनोखापन ना होने के कारण ये है कि भाई विचारों का अभाव होता है, हम आइडियाज में बहुत लैग करते हैं। आइडियाज में इसलिए भी लैग करते हैं क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती। अगर आप आसपास की चीजें, आसपास की परिस्थितियां, अपने घर परिवार, रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज, सड़क बाजार, लोग जो उन सब में जी रहे हैं, उसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो आपके पास आई डोंट थिंक कभी भी आइडियाज की कमी होगी। आप उठा के जस का तस डाल दोगे, वो आपके लिए फिक्शन हो जाएगा। प्लॉट में सुधार कर सकते हैं। प्लॉट में सुधार कैसे होगा कि कहानी सोचते समय ही आपको अंदाजा हो जाता है लेखक को ठीक ठाक कि यार लिख तो दूं लेकिन ये कहानी ना कही जा चुकी है यार, ये कहानी चलो मैं अपने कितने भी अलग ढंग से लिख लूं लेकिन ना कहानी है तो वही,
कहानी तो वही है, राजा रानी खत्म कहानी। आप मंत्री बदल दोगे, आप उसके अंदर दो और पटरानियां डाल दोगे, आप तीन बच्चे डाल दोगे, आप एक साम्राज्य डाल दोगे, लालच डाल दोगे। तो वही मूल तो वही है कहानी का। तो प्लॉट ऐसा सोचो कि मतलब कमाल का, कि प्लॉट आपको लगे कि यार ये प्लॉट अपनी तासीर से ही इतना अलग है कि इतना अलग अभी के लिए किसी के लिए सोचना मुश्किल होगा। तो वो और अपनी पहचान बनाइए। ट्रेंड फॉलो करना एक चीज है, ट्रेंड फॉलो करने वाली चीजें सोशल मीडिया पे सूट करती हैं। आप एक लेखक है, आप खुद एक चलते फिरते ट्रेंड है, आप जो लिख देंगे वो फॉलो होने लगे। तो आप अपना वो हस्ताक्षर ढूंढिए, वो अपना सिग्नेचर ढूंढिए। चुनौती ले, ऐसा मैंने लिख दिया है और यहाँ पे अंग की मात्रा मिसिंग है मेरी गलती से। चुनौती ले का मतलब है कि मैं चीजें जो मुझे पता है, मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, उस कहानी के लिए मुझे 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी, 50 बार इंटरनेट खोलना पड़ेगा, 10 किताबें के पन्ने पलटने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं कहानी नहीं लिखूंगा। तो ये और इस एटीट्यूड से निजात पाए, इससे उभर कर आए, अगर आप चुनौती लोगे तो वो कहानियां आपको गढ़ेंगी, आप कहानियों को गढ़ेंगे, कहानियां आपको गढ़ेंगी। आप उन्हें जितना खूबसूरत बनाएंगे, वो आपकी राइटिंग को उतना खूबसूरत बनाएंगे, वो आपको दूर तक ले चलेंगे। अगला पॉइंट, अपनी शैली विकसित करें। इस पे मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ ऑलरेडी, कि अपना एक्सप्रेशन, अपना जो आप कहना चाहते हैं, जिन शब्दों में कहना चाहते हैं, वो तलाशिए। मुख्य कवर पेज और शीर्षक को महत्व दे, ये तो गाइडलाइन जैसा है। कि बहुत बार ऐसा होता है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बुक डिपो, मॉल, बड़े बड़े बुक स्टोर, उन सब में आप देखेंगे अधिकतर लेखक जो होते हैं चाहते हैं कि उनकी उनकी किताब ऐसी जगह पर रखी हो जहाँ तुरंत नजर पड़ जाए। नजर पड़ने का जो खेल है ना, वही आज के टाइम पर मतलब कमाल है। नजर पड़ने पर ही किताबें बिकती हैं। अगर उसका कवर फोटो है ना, कवर फोटो यार, अरे यार क्या है, भयंकर, ये क्या फोटो डाल दी। सपोज कोई आपने ऐसी चीज डाल दी, कोई ऐसी पेंटिंग डाल दी, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट डाल दिया कवर फोटो में ना, वो कमाल का हो गया। मतलब जो भी देखेगा वो कहानी खोलेगा ही खोलेगा, चाहे कहानी कितनी ही औसत हो, अगर कवर कमाल का है तो किताबें बिकेंगी बिकेंगी, कहानियां पढ़ी जाएंगी जाएंगी। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कवर पेज। दूसरा आता है शीर्षक। गुनाहों का देवता इसलिए भी बहुत चर्चित उपन्यास रहा क्योंकि उसका नाम है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता अपने आप में एक बहुत अलग सी चीज है, बहुत नए से शब्द थे उस समय। यार देवता तो गुनाह नहीं कर सकते ना, तो गुनाहों का देवता क्या होगा। तो वही है, अंग्रेजी में है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक जो अरुंधति रॉय की किताब है जिसको बुकर प्राइज मिला था, अभी गीतांजलि श्री को मिला है, उनसे पहले अरुंधति रॉय को मिला था उनकी अंग्रेजी किताब के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब ये इसका है कि छोटी चीजों का भगवान। अरे भगवान कैसे छोटी चीजों का हो सकता है, भगवान है ना वो। तो जो किताब का टाइटल है ना, वो बहुत कमाल का होना चाहिए कि जो भी पढ़ता है ना उसके यहाँ घर कर जाए। बेशक आप कहानी लिखने में 10 दिन ले और टाइटल लिखने में भी 10 दिन ले, तो मैं बोलूंगा टाइटल लिखने के 10 दिन भी काम के हैं, बशर्ते आप टाइटल के ऊपर उतनी मेहनत करें। अगला आता है शीर्ष श्रेणी, कि आप उसकी जो मेन कैटेगरी है वो क्या चुन रहे हैं। एक कहानी आपने लिखी है जिसके अंदर प्रेम भी है और रोमांच भी है और हत्याएं भी हो रही है, थ्रिल भी है, बावजूद इन सब के अगर आप सारी श्रेणियां तो नहीं चुनेंगे, जाहिर सी बात है, अगर सब चुनेंगे तो फिर पाठक कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये तो क्या है, मतलब मैं भूत की कहानी पढ़ने वाला हूँ या प्रेम की। तो उसके लिए हमेशा क्लियर रहिए कि इसके अंदर कौन सी बात डोमिनेट कर रही है, कौन सी बात पीक पर है। वो अगर आपको पता है ना कि है तो ये प्रेम कहानी लेकिन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सब होगा, तो प्रेम की कैटेगरी चुनिए। तो ये है शीर्ष श्रेणी का सीन, कि आपको कैटेगरी चुननी है। और अगर आप लिखना चाहते हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ कमाल के चीजें हैं, आप लिख सकते हैं, बहुत सारे प्राइज मनी जीत सकते हैं, आप प्रतिलिपि प्रीमियम में एंट्री पा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग जो है इस डर से भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सर हारने पर बुरा लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि हार ना मानना आपकी पहली जीत दर्ज करता है। शायद मैंने पिछले वेबिनार में भी यही बात कही थी कि आप जब प्रतियोगिताओं के लिए लिखते हो तो आप ऑलरेडी दिमाग में जीत सोच चुके हो, क्योंकि आपने इनफैक्ट जीत चुके हो क्योंकि आपने सबसे अच्छा विचार चुना है अपनी कहानी लिखने के लिए, प्रतियोगिताओं के लिए लिखने के लिए। प्रतियोगिताओं में आप अपना
100% क्या 200% देते हो। इसीलिए इस भावना से लिखिए, और अगर आप लिखेंगे तो आपके पास ऐसी कमाल की कहानी होगी जो प्रतियोगिताओं में जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन आपकी शेष रचनाओं में डेफिनेटली काउंट होगी। और अगर आप धारावाहिक लेखन करते हैं तो आपको इस प्रतियोगिता में भी भाग लेना चाहिए, धारावाहिक लेखन। और अगर आप दोनों में से कोई एक प्रतियोगिता के साथ सहज है तो आप एक प्रतियोगिता चुन सकते हैं, धारावाहिक लेखन भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा है ना कि मैंने एक दो बार धारावाहिक लिखा बट आई एम नॉट श्योर, ट्राई इट, मैं बोलूंगा डेफिनेटली इसमें कोशिश करिए और धारावाहिक लेकर देखिए प्रतियोगिता में। कोई नहीं जानता कि अगला कमाल जो है आपकी कलम से होना, तो बेधड़क लिखिए और उसको मजेदार बनाइए धारावाहिक लेखन को, अपनी राइटिंग को। इसके बाद तो धन्यवाद आ जाता है, लेकिन प्रश्न देख लेते हैं, अगर हम कुछ एक प्रश्न ले सकें तो। हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो खत्म हो गया है अब सर। मैं नोवेल लिख रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आता कि सस्पेंस कहाँ से तो ये बहुत ही अच्छा सा एक सवाल है कि मैं नोवेल लिख रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं सस्पेंस कहाँ से लाऊं। बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल है, तो सस्पेंस कहीं से नहीं आता। अगर आपके दिमाग में ये वाली फीलिंग है ना कि मैं अपने पाठकों को चौंकाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर छोटी बड़ी घटना पर उनकी आंखें खुली रह जाए, उनका ध्यान कहानी में थोड़ा और बढ़ जाए, इस फीलिंग के साथ जब आप सोचते हैं तो आप बहुत सारा सस्पेंस खुद से लिख देते हैं, वो खुद से फूटने लगेगा अंदर ही। जब आप इस वाली फीलिंग से लिखेंगे कि मेरे को चौंकाना है, अगर आप ये सोचेंगे इसमें सस्पेंस क्या हो सकता है, जो चीजें आपको आश्चर्यचकित कर रही हैं वो पढ़ने वाले को भी करेगी। तो आप अपने लिए ऐसी चीजें ढूंढिए जो आपको आश्चर्यचकित करें। अच्छा, तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरी जानकारी में कुछ लोग मोबाइल, आप प्रतिलिपि पर जब कहानियां लिखते हैं तो लोग शब्दों की गणना नहीं कर पाते कि एक भाग में 800 या 1000 शब्द होने चाहिए, तो कितने शब्द हुए। तो आप अगर नजर डालेंगे तो फोन पर लिखते हुए, कहानी लिखते हुए प्रतिलिपि पर दाईं तरफ सबसे नीचे आपको दिखेगा कि कितने शब्द हो गए आपकी कहानी में, तो आप वहां देख सकते हैं कि कितने भाग है, कितने भाग आप लिख चुके हैं। कहानी में ऐसा क्या लिखे जिससे पढ़ने वाले को उसमें इंटरेस्ट आए, ये क्या, ये तो कैसे जवाब दिया जा सकता है। कहानी में ऐसा क्या लिखे, ये इतनी सब्जेक्टिव चीज है कि आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक, कोई इंटरेस्टिंग बात है इसलिए आप कहानी लिख रहे हो, अगर वो नहीं है तो आप कहानी नहीं लिखोगे। आपके पास आटा, दूध, बेकिंग पाउडर और एक चिमनी है तभी आप बिस्किट बनाने की तैयारी करोगे। आप ये बोल रहे हो ऐसा बिस्किट कैसे खिलाया जाए, आपके पास सामान तो है ना, आप कुछ कहने के लिए कुछ मूल तो है ना आपके पास, अगर वो है तो बढ़िया है, चकाचक है। कुछ एक सवाल और, क्या पहले की अधूरी कहानियों के हिस्से नए उपन्यास या प्रतियोगिता के लिए जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। क्या पहले लिखे गए सीजन, जो मैंने सीजन 1 सीजन 2 किसी कहानी का लिख दिया है, उसको धारावाहिक में डाल सकते हैं? उसका अगला सीजन, मैंने एक सीजन लिख दिया है, सीजन 2 लिखना है, डेफिनेटली डाल सकते हैं। लेकिन इसकी एक ट्रिक है कि जो भी पाठक या जज पढ़े उसको सीजन 1 पे ना जाना पड़े, तो आपने उससे पहले की जितनी कहानी लिखी है उसका सार बना के अगले सीजन की शुरुआत में ही डाल दे, ताकि पाठक को किसी दूसरी कहानी पे, किसी दूसरे जगह पे जाके उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप में कंप्लीट चीज हो। आज के एक्सपर्ट आप ही हैं, अरे कहानी में कुछ भी एक्सपेक्टेड भी, कहानी में कुछ भी एक्सपेक्टेड भी डाल सकते हैं। मैं एक लंबा धारावाहिक लिख रहा था, 24 पार्ट लिखने के बाद अब माइंड ब्लैंक हो गया, लगभग 1 महीने से उसमें कुछ जोड़ नहीं पा रहा। बहुत ही कॉमन होने वाली समस्या जो लेखक को लगता है कि ये बीमारी है, लेकिन ये होता है। जैसे कि मैं कोई कहानी सोच रहा हूँ जिसके अंदर मैंने बहुत ही जबरदस्त थ्रिल रचा है पहले 20 या 50 भागों में, लेकिन इसके बाद मैं कहानी आगे ले जाना चाहता हूँ बट आई एम ब्लैंक, तो मैं क्या करूंगा, उतनी कहानी या उसकी समरी एक ऐसे इंसान को बताऊंगा जो कहानियों से परिचित नहीं है, और उसे पूछूंगा यार ये ऐसा ऐसा हो गया, मत बताओ कि आप कहानी बता रहे हो, उसे पूछो, डिस्कस करो। वो कोई ऐसा एंगल बता देगा जो आप नहीं सोच पा रहे, क्योंकि उसका डायमेंशन, उसकी चीजें एकदम अलग है। अगर आप उनसे पूछ लोगे तो वो वहां पर अपना जादू कर देगा। ठीक है, तो यही बात है, आप अपने चीजों को तोड़ने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, क्योंकि आप एक ही तरह की चीजों में पिछले 50 दिन से गुम हो, मेरे को लिखना है लिखना है लिखना है, लेकिन आप अटक गए हो। आप तीसरे बंदे से पूछोगे तो वो बेहतर तरीके से, क्योंकि वो बाहर से देख रहा है आपकी कहानी को, वो नया एंगल बता सकेगा।
स्पष्ट अंत की कहानी को पूर्ण कहानी माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। जो लोग आकर अगर ऐसा लिख देते हैं कि भाई कहानी पूरी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कहानी पूरी है, कहानी सवाल पर खत्म होनी थी, तो इसका मतलब है पाठक उस गहराई तक नहीं पहुंचा। ये भी कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है कि हम नहीं पहुंचा पाए उस मानसिक चेतना, उस सामाजिक चेतना तक नहीं पहुंचा जहां तक उसको जाना चाहिए, जहां पर वो ये प्रश्न करना बंद करे कि कहानी अधूरी है। तो ये चीज मे आई नो योर नेम, कैन वी गेट दिस पीडीएफ? रियली सॉरी, लेकिन ये पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। मेरा नाम करण है और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको आपकी मेल पर मिल जाएगी। इससे अधिक सवाल जवाब देना मुश्किल होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी आ जाए, आपने समय निकाला, अपना एक घंटा निकाला। आई होप इससे कुछ आपको लगा होगा, कुछ आपको लगा होगा कि सीख सकते हैं, या बस यही। तो आप जुड़े रहिए अगले धारावाहिक में, अगले वेबिनार में हम नई नई चीज़ों पर बात करेंगे, कुछ और नया लेकर आएंगे। आपके जो सवाल है, जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो मेल कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको जवाब दे देंगे। और लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।